बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू ब्राइट आइडियाज़। कैसे हैं आप सब लोग व्यूअर्स? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बहुत थैंक यू, पहली बात तो बहुत बहुत थैंक यू व्यूअर्स मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए, और इतनी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो 2000 प्लस हो चुके हैं। अभी बहुत ही कम टाइम मुझे हुआ वीडियो बनाते हुए और मेरे 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जिसका मुझे बेहद बेहद खुशी है। बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, आपने मेरे वीडियोस को इतने प्यार से देखा और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा, उसके लिए बेहद शुक्रिया व्यूअर्स। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा। चले अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो है डार्क सर्कल्स जो है किस तरीके से ख़त्म करने हैं। बहुत ही आसान सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ईजीली आप बना सकते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने डार्क सर्कल्स किस तरीके से ख़त्म करने हैं, जो कि आपने बगैर कोई रेमेडी यूज़ किए आपने ये करने हैं। ये मेरे पास है सरसों का तेल। आपने करना ये है कि सरसों के तेल को अपने इस फिंगर पे लगाना है। अच्छे तरीके से लगाने के बाद आपने इसको कोई इस तरीके से आपने इसको बाहर की तरफ आपने यूं इसको ये करना है, मसाज इसका देना है। आपने रात को सोने से पहले कोई 100 times आपने इस उंगली को करना है और 100 times ही आपने इसको करना है। दोनों फिंगर्स का आपने 100 times इस तरीके से मसाज देना है अच्छे तरीके से। और जब आप इसको 100 times करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक हफ्ते में ही आपके डार्क सर्कल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो जो है इस दुनिया की बेस्ट चीज़ है डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने के लिए। उससे अच्छी चीज़ मेरा ख्याल है अभी तक नहीं होगी, क्योंकि सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है वो होती है खीरे का जूस या फिर खीरा आँखों के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरीके से करना है। तो व्यूअर्स, करना आपने सिंपली ये है कि आपने बहुत ही थोड़ा सा ककंबर जूस लेना है, समझ लें इतना सा आपने ककंबर जूस लेना है, और उसके साथ आपने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा, बिल्कुल 3 से 4 drops या फिर आप ऐड कर सकते हैं, बहुत ही कम आपने ऐड करना है इसमें लेमन। और इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करके अपनी आइस के ऊपर आपने इसे लगाना है। आपने लगाना जो है वो इस तरह है कि आपने अपनी फिंगर्स पे लेकर आपने इसे अच्छी तरीके से मसाज देना है अपनी आइस पे। उसके बाद आप इसे ड्राई होने दें, लेट इट ड्राई, ओके। उसके बाद अब आप इसको ड्राई होने के बाद, जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद आपने इसको, इस लिक्विड को आपने दोबारा से ही अपने हाथों पे, सॉरी अपनी आइस पे अप्लाई करना है। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फेस के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसमें आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड कर लें तो वो भी बहुत अच्छा है। आपने इसको ड्राई होने देना है। ड्राई जब ये हो जाए उसके बाद आपने इसको दोबारा से अपने आइस पे अप्लाई करना है। जब ये दूसरी दफ़ा ड्राई हो जाए उसके बाद आपने तीसरी दफ़ा इसे अपने आइस पे अप्लाई करना है। इसे कोई 2 से 3 minutes ये लेगा ये लिक्विड ड्राई होने के लिए, या फिर उससे भी कम, बहुत ही कम समझ लें, एक पानी की तरह ये ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इसे तीन दफ़ा आपने इस लिक्विड को अपनी आइस के ऊपर अप्लाई करना है। और जब ये अप्लाई, ये ड्राई हो जाए उसके बाद आप सो जाएं, आपने इसे वॉश नहीं करना। आपने सुबह उठ के अच्छे से फेस वॉश थे, आपने अपना फेस वॉश करना है। 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपके जो है डार्क सर्कल जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप इस लिक्विड को अपनी जो है रूटीन में ऐड कर लेंगे, अपनी रूटीन में ऐड करने के साथ साथ, मतलब आप इसे अपनी बहुत ही आसानी से आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं, तो ये इंशाल्लाह आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ये समझ लें एज अ टोनर आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये इतना बेहतरीन रहेगा आपकी स्किन के लिए और बहुत ही ज़्यादा शानदार ही रहेगा। आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत हो जाएगी, आपका फेस खूबसूरत हो जाएगा, और साथ साथ आपके जो है ना ग्लोइंग आएगी, और उसके साथ साथ आपके जो है दाने वगैरह ये सब कुछ, ये दो लिक्विड्स जो हैं ये बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं दोनों, ये लेमन, सॉरी ये ककम्बर जूस है, ये लेमन जूस है, दोनों चीज़ें मिला के जब आप यूज़ करेंगे इसका बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी साथ ही टैप कर दें, ताकि आपको और भी मेरी ज़बरदस्त सी वीडियोस मिलती रहें और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें, ताकि आप मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहें। तो बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा व्यूअर्स, और अपने बड़ों का भी ख्याल रखिएगा और अपने छोटों का भी ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर कोई जो भी मेरी वीडियो देख रही है मुस्लिम गर्ल्स या मुस्लिम बॉयज़, अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ते तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि नमाज़ पढ़ें। नमाज़ को अपनी रूटीन में ऐसे ऐड कर लें जैसे खाना और पीना और नहाना होता है, इस तरीके से आप अपनी नमाज़ को ऐड कर लें, क्योंकि नमाज से बेहतर
कुछ भी नहीं है, नमाज से ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो व्यूवर्स बहुत ख्याल रखिएगा अपना और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।